कोविड महामारी के दौरान देश कई चुनौतियों से गुजर रहा है। धानुका परिवार के सभी सदस्य देश भर में कोविड 19 के नियंत्रण के प्रयासों में सरकार और लोगों की सहायता करने में जुड़े हुए हैं। धानुका कोविड टास्क फोर्स देश भर के जरूरतमंद क्षेत्रों में समाज की सेवा कर रही है। धानुका कोविड टास्क फोर्स द्वारा गर्मियों में बिजली की कमी को ध्यान में रखते हुए कोविड के इलाज में काम आने वाले मेडिकल उपकरणों के अबाध संचालन हेतु राजस्थान के कोटपुतली कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में 5 लाख रुपए की लागत से जनरेटर की व्यवस्था करवाई गई। इस समय में जिस तरह से हमारा देश इस पैंडेमिक से त्रस्त है, हमने ये फील किया कि जो हेल्थ क्लिनिक्स हैं वहाँ पर कुछ फैसिलिटी होने के बाद भी पावर की वजह से प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए हमने ये सोचा कि अगर हम जनरेटर देते हैं तो अन इंटरप्टेड सप्लाई मिल सकती है और सारे इक्विपमेंट काम कर सकते हैं अगर बिजली जाती है। ये सोच करके हमने कहा कि हम एक जनरेटर देते हैं। हम हमेशा से भारत के डेवलपमेंट के लिए काम करते रहे हैं और इन चीजों के में हम आगे भी इसी तरह के काम करते रहेंगे। सामान्य जन की जीवन रक्षा हेतु मध्य प्रदेश के मुरैना स्थित अस्पताल को 11 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भेंट स्वरूप भेजे गए। गोरखपुर जिले में 500 ऑक्सीमीटर जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त वितरण हेतु भेजे गए। कोविड से प्रभावित व्यक्तियों एवं परिवारों के भोजन की व्यवस्था करवाई जा रही है ताकि उन्हें ठीक होने के लिए जरूरी संतुलित आहार मिलता रहे। गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों के लिए मुफ्त राशन सेवा दी जा रही है ताकि किसी भी घर का चूल्हा न बुझने पाए। इसी के साथ धानुका एग्रीटेक के सभी कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा हेतु कंपनी द्वारा वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी गई है। फील्ड में काम करने वाले हमारे साथियों को कंपनी द्वारा बिना शर्त सैलरी सपोर्ट दिया जा रहा है। इम्यूनिटी बढ़ाने में सहायक होम्योपैथिक दवाइयों एवं गिलोय का वितरण भी किया जा रहा है एवं आपातकालीन सहायता हेतु ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर एवं सिलेंडर की व्यवस्था भी कंपनी द्वारा की गई है। संकट की इस घड़ी में देश और देशवासियों के सदैव साथ है धानुका एग्रीटेक लिमिटेड। देश के किसानों का विश्वास धानुका का।